तो अभी हमारे डेयरी फार्म पर सभी बछड़ियों को दूध पिलाने का काम चालू है। तो आप देखिए, एक इतनी बड़ी बछड़ी है फिर भी इसको पूरे का पूरा दूध पिला रहे हैं। देखिए, अभी इसको लेनी हो तो ये हमारे हाथों से आती भी नहीं, इतनी ताकतवर है ये। इसको यहाँ पे ले फीड रखना पड़ता है, बाद में ये आती है। ये है तो बहुत ही बड़ी, मगर इसकी माँ की हाइट लेंथ बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए आपको ये छोटी लग रही होगी। अभी इसका 9वां महीना चल रहा है, 9 मंथ की हुई है, 8 से 9 मंथ की ही है। तो आप देखिए इसकी हाइट लेंथ, हमारी ये काबरी गाय घर की है, सबसे हमारी पुरानी नस्ल। हमारे पास एक ही गाय थी, उसकी ये बछड़ी थी काबरी, और ये देखिए ये काबरी की ये दूसरी गाय, और ये देखिए अब इसने दूध पी लिया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम हमारे डेयरी फार्म पर अच्छी नस्ल की गिर गाय तैयार करने वाले हैं, ताकि आने वाले समय में हमें ये अच्छा दूध दे। हम जितनी भी बाहर से गाय लेके आए, ज़्यादातर 20% ही अच्छी निकली। समझ लो कि 7 से 8 गाय ली तो 2 गाय ही अच्छी निकली। सभी गाय दूध में कम थी, किसी को मस्टाइटिस की प्रॉब्लम थी, सभी में किसी ना किसी तरह की हमें प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो इसलिए हमने अब सोचा कि गाय तो रखनी ही है, मगर हमको अपनी खुद की गाय तैयार करनी होगी, तब जाके हमें गिर गायों में मुनाफा मिलेगा। तो इसलिए हम हमारे डेयरी फार्म पर अच्छी जो भी बछड़ी आती है उसको हम तैयार कर रहे हैं। तो देखिए ये सभी छोटी छोटी बछड़ियाँ इसको अच्छा दूध पिला रहे हैं। तो देखिए ये भी बछड़ी, इसको भी, सभी बछड़ियों को पूरे का पूरा दूध पिला रहे हैं। ये हमारी मीरा, ये भी इसकी शानदार बछड़ी आई है, बिल्कुल इसी की तरह। इसने भी पूरा दूध पी लिया है। तो आज भी मकई में पानी चालू है, रोज की तरह 2 घंटे तक चलता है पानी, मगर ये तो बहुत ही अच्छी है। मेरी देखो हाइट है, उससे भी ज़्यादा इसकी हाइट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो सभी फसल अच्छी हो जाएगी। मगर आप मेरे पीछे एक खेत है हमारा, उसमें हमने 10 बीघे की जुवार लगाई हुई है, उसको पानी अभी नहीं मिलेगा, तो क्योंकि 2 ही घंटे पानी आ रहा है। और पीछे देखिए मेरे ये सुपर नेपियर घास है, इसमें भी अभी पानी कम हो रहा है। तो सभी जगह तो हम गर्मी का टाइम है तो पानी नहीं पिला सकते, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत की बात तो है, मगर क्या करें। तो जल्दी से जल्दी हमें इन सभी, हमारा हरा चारा है इसकी कटाई करनी होगी, ताकि ये सभी सूख न जाए, ऐसा हमें ध्यान रखना होगा। तो आप देखिए ये पीछे हमारे घास है, वो भी सूख रहा है। देखिए इसमें भी, ये देखिए आप, थोड़ा थोड़ा ये सभी पत्ते सूख रहे हैं। तो ऐसा तो चलता है, इसमें कोई बड़ी दिक्कत की बात तो नहीं है। बस अभी जगह से तो